इस ड्रामा का नाम सीजन ऑफ ब्लॉसम है। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी है। इस पर पहले वेबटून बनाया गया था जो कि बहुत फेमस हुआ था। उसी वेबटून से इस ड्रामा को लिया गया है। इस ड्रामा के एपिसोड बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने दो एपिसोड एक साथ लिए हैं। ये ड्रामा भी अभी अभी आया है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ड्रामा शुरू होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हांसो मंग होता है। इस बार की गर्मियां बहुत लंबी थी। वो कुछ बना रही होती है, उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। वो हामिन की ड्राइंग बना रही होती है, तो ली हामिन पूछता है, सो मंग, मुझे और कितनी देर ऐसे बैठना होगा? बस थोड़ी देर और, पर तुम ये मुझे पहले ही 10 बार कह चुकी हो। वो हंसने लगती है। ली हामिन और हांसो मंग इस ड्रामा के मेन करेक्टर हैं। तभी बाहर बारिश होने लगती है। सो मंग कहती है, देखो बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ, ये तुम्हें बताती है कि असली गर्मियाँ अब शुरू हो चुकी है। हामिन कहता है, मेरी इच्छा है कि ये गर्मियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं। गर्मियों के बारिश के दिनों में हामिन हमें छोड़ गया। सीन प्रेजेंट में आता है। सभी दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है। उन्हें कल से ट्रेनी टीचर की तरह स्कूल में ज्वाइन करना था। सभी एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कौन कौन से स्कूल में जाएंगे। तभी एक दोस्त कहती है, सो मंग, तुम तो सियोयन हाई स्कूल में जा रही हो ना, और वहाँ तो जू यंग भी जा रहा है ना? वो कहता है, हाँ। तभी दूसरी दोस्त कहती है, तुम सियोयन हाई स्कूल में ही ट्रेनिंग क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारे घर से वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। तो सो मंग वहाँ से उठकर जा रही होती है। तो जू यंग पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आइसक्रीम लेने, तुम्हें भी चाहिए? जू यंग कहता है, हाँ, और वो भी उसके साथ चला जाता है। तो उसकी दोस्त कहती है, जू यंग को उसकी फीलिंग के बारे में सो मंग को बता देना चाहिए, वो कब तक ऐसे रहेगा। दूसरी दोस्त कहती है, पर जू यंग को पता है कि सो मंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश करता रहता है। जू यंग और सो मंग रोड पर चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। तुम तो वहीं से ग्रेजुएट हुई हो ना? ग्रेजुएट होने के बाद फिर कभी तुम वहाँ गई हो? वो कहती है, नहीं, मैं वहाँ एक बार गया था टीचर डे के दिन। उस दिन मुझे बहुत अजीब लगा था। मैं तुमसे पहले से ये पूछना चाहता था, तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती? तो सो मंग कहती है, तुम्हारे बारे में क्या? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता, पर मैं किसी को डेट नहीं कर पाता। वो कहती है, ऐसा ही मेरे साथ भी है। क्या तुम्हारे मन में कोई है जिस पर तुम्हें क्रश हो? वो मना कर देती है। सो मंग रात को सोने की तैयारी कर रही होती है और साथ में अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम ट्रेनिंग के एक रात पहले ड्रिंक कैसे कर सकती हो? सो मंग कहती है, हो सकता है कि हम फिर से ऐसे ना मिले, इसीलिए। उसकी दोस्त पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? सो मंग कहती है, मैंने ज़्यादा ड्रिंक थोड़ी ना करी है। तो उसकी दोस्त कहती है, मैंने ये इसलिए थोड़ी ना पूछा है, तुम फिर से उसी स्कूल में जा रही हो, अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें फिर से याद आएगी ली हा मिन की। वो ली हा मिन के बारे में सोचने लगती है। ली हा मिन क्लास का मॉनिटर होता है। वो कहता है, आज हम क्लास की एक्टिविटी डिपार्टमेंट का डिसाइड करने वाले हैं, चलो शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल डिविज़न इसे कौन लेना चाहेगा, और एक एक करके सारे डिविज़न बताता है। सो मंग बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। तभी लड़कियां कहती है, हाँ मिन, यहाँ पर एक डिविज़न गायब है। वो कहता है, कौन सा? तो लड़कियां कहती है, जो तुम हर रोज करते हो, हमारी आंखों को आराम देना। तो हामिन स्माइल करने लगता है और कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट। सो मंग हामिन के बारे में मन में सोच रही होती है, सबसे ज़्यादा क्लास में तुम शाइन करते हो, तुम्हें सब पसंद भी करते हैं ली हामिन। सीन कट होता है।
अगली सुबह सोमंग ट्रेनिंग के लिए स्कूल जा रही होती है। मैं फिर से उसी जगह आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम किसी भी समय दिख जाओगे। तभी पास में से ली हामिन गुजरता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। तभी पीछे से उसका दोस्त आता है। वो कहता है, मैं बस में सो गया और वो मुझे कहीं और लेकर चल गई। सोमंग फिर से पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां पर दूसरा लड़का होता है। उसका दोस्त कहता है, चलो चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। वहां पर बैनर टंगा होता है, वेलकम ट्रेनी टीचर्स। वहां सभी ट्रेनी टीचर बैठे होते हैं। फिर वहां पर वहां का एक टीचर आता है और उन्हें बताता है कि आपको यहां पर क्या क्या करना है। तभी सोमंग का दोस्त कहता है कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगी तो मैंने सुना है कि ये ट्रेनी को बुली भी करते हैं। वो टीचर सभी को सारी बात समझाने के बाद सभी को पूरा स्कूल दिखा रहा होता है। तभी सोमंग को आर्ट रूम दिखाई देता है। वो सोचती है, इस जगह पर हमारी बहुत सारी यादें हैं, तुम यहाँ पर मेरे लिए इंतज़ार किया करते थे। इस तरह की बातें मेरे माइंड में चल रही थी। वो गेट खोलकर अंदर जाती है। उसे वहां पर हामिन दिखाई देता है। वो उसके पास जाने लगती है। हामिन पीछे मुड़ता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसके हाथ से नोटबुक गिर जाती है। सीन चेंज हो जाता है। ली हामिन उसे वो नोटबुक उठाकर देता है। वो उसे थैंक्स कहती है। हामिन सभी को जाकर कहता है, चलो अपने अपने असाइनमेंट दे दो। तभी एक बच्चा बोलता है, मैं तो करना भूल गया। तो ली हामिन कहता है, मैंने तो एक सप्ताह पहले ही बता दिया था ना। कोई बात नहीं, ये लो और जल्दी कर दे देना। बच्चा कहता है, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दूंगा। सोमंग भी अपना असाइनमेंट देती है, पर उस पर नाम नहीं लिखा होता। तो ली हामिन उसे लिखने के लिए कहता है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को आगे करती है। वो लड़की हामिन से कहती है, हामिन क्लास प्रेसिडेंट का काम आसान नहीं होता ना, तुम थक जाते होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, प्लीज इसे खा लेना। हामिन कहता है, थैंक यू, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। सोमंग मन में कह रही होती है, तुम बहुत अमेजिंग थे और सभी तुम्हारी तारीफ किया करते थे, तो मैं जा रहा हूँ इसे टीचर को देने। वो कितना हैंडसम है ना, उसके पास सब कुछ है, बस उसके पास एक चीज़ नहीं है, मैं। सोमंग कहती है, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मैं उसके सामने, हे हमें अब खाने के लिए बाहर जाना है। हाँ ठीक है, वैसे क्या ये लड़की हमारे क्लास में है, मैं इसे नहीं जानती, मैंने पहले कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सोमंग क्लास से निकलने के बाद टीचर के पास जाती है। गुड मॉर्निंग टीचर। यस सोमंग। क्या? ओह हाँ, मैं भूल गया था, लो पर एक मिनट, तुम्हें सारे लंच टाइम वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए। यस सर, लो। हामिन चलो स्कूल के बाद कैरियोके चलते हैं। सोमंग उन दोनों को देखकर चाबी छिपा लेती है, क्योंकि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहती थी। हम कल ही तो गए थे, तुम बार बार वहां जाकर बोर नहीं होती? कैसा रहेगा कि तुम मुझे छोड़कर सियोंगजेई के साथ चली जाओ? तुम पागल हो क्या? मैं सियोंगजेई के साथ क्यों जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, चलो चलते हैं। सियोंगजेई फिर बाद में मिलते हैं, सोमंग बता रही होती है। तुम्हारा फेमस होना भी कभी कभी तुम्हारे लिए खराब हो जाता है हामिन। ये कमीना, मुझे लगता है कि वो अपनी जगह नहीं जानता। अरे छोड़ो भी, बस उसका हम फायदा उठाएंगे, वो टीचर का चमचा जो है। ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करती, मैं वो थी जिसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो मैं अपना खाली समय आर्ट रूम में ही बिताती थी। मैं अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल आज़ाद और शांत महसूस करती थी, केवल तब तक जब तक कि तुम वहाँ नहीं आए। हामिन गेट खोलकर अंदर आता है। सोमंग पेंटिंग के पीछे छिप जाती है। हामिन को वो नहीं दिखती। हामिन अपने आप को अकेला समझता है। वो कमीने मुझे पागल कर रहे हैं, वो जानवरों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है, उनके साथ काम करना बकवास है। सोमंग भी ये सब बातें सुन रही होती है।
वो वहां से जाने का सोचती है, पर ये हो जाता है। वो सोचती है ये क्या हो गया। तभी पीछे से हामिन आता है, पेंटिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। मैं इसे पकड़ लूंगा, तुम इसे टाइट क्यों नहीं करती। वन सेकेंड, मैं करता हूँ। वो तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो, लेकिन तुम इस कमरे में कैसे आई। वो हमारे क्लास टीचर ने मुझे यहाँ की चाबी दी थी। ओ तो ऐसा क्या, लंच टाइम में तुम अकेले इतनी बड़ी जगह का यूज़ करती हो, तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैंने जो कहा तुमने सुना ना, तुमने सब सुना ना, जब मैं दूसरे बच्चों के बारे में बकवास कर रहा था। जो तुमने आज सुना, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी बात की तो तुम इस जगह का इस्तेमाल फिर नहीं कर पाओगी। वो पहली बार था जब हम एक दूसरे से मिले थे। ये सब पहले की यादें थी जो कि उसके माइंड में चल रही थी जब वो बेहोश थी। तभी उसे होश आता है। आप उठ गई, मैं यहाँ क्यों हूँ। क्योंकि आप आर्ट रूम में बेहोश हो गई थी, मैं टीचर को बुला के लाती हूँ। ओके थैंक यू। उधर से जुयंग आता है। वो पूछता है सोमंग तुम ठीक तो हो ना। हाँ, इसने मेरी मदद की, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। क्या आप किसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि आप बेहोश होने पर भी किसी का नाम ले रही थी, आप बार बार हामिन कह रही थी। तभी वहाँ के टीचर आते हैं, बच्चे क्लास में बातें कर रहे होते हैं। तुमने ट्रेनी टीचर को देखा था जो आज आए थे, उनमें से एक अचानक बेहोश हो गई। क्या कोई अपने काम के पहले दिन ऐसे बेहोश होता है। यूनबॉम उन टीचर को क्या हुआ, वो जिंदा तो है ना। इसे छोड़ो, तुमने इंग्लिश क्विज की तैयारी कर ली जो नेक्स्ट पीरियड में है। क्या इंग्लिश क्विज, चलो 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 चलो। तुम्हारा क्या जेमिन, मैंने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो। पता नहीं, मुझे होमवर्क लेकर टीचर के पास जाना है। क्या मैं भी आऊँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कोई बात नहीं, ये ज़्यादा भारी नहीं है, कभी कभी मुझे भी तुम्हारी चिंता करने दो, चलो चलते हैं। वो ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, ये एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते, और तुम अपनी स्टडी पर फोकस क्यों नहीं करते। वो टीचर सोमंग के पुराने टीचर होते हैं। तुमने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय के बाद मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाई, मेरे पास हामिन की एक भी फोटो नहीं है, सारी मेरी बहन ने डिलीट कर दी, क्योंकि मैं उसको देखकर रोती रहती थी। मैं इस स्कूल में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं हामिन को बहुत याद करती हूँ। वो रोने लगती है। पर टीचर, क्या मैं इस लायक हूँ कि हामिन को मेरी वजह से मरना पड़ा। सोमंग, पर मुझे तो तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने मुझे हामिन की याद दिला दी, वो सच में बहुत अच्छा बच्चा था। तो ये जाहिर सी बात है कि हम उसे याद करते हैं। अगर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही हो तो तुम यहाँ से छोड़कर दूसरे स्कूल में भी ट्रेनिंग कर सकती हो, इसके बारे में सोचना। उसके बाद वो बाहर बैठी होती है और अपने नाम को देख रही होती है और हामिन को याद कर रही होती है। मैं चाहता हूँ गर्मियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं। गर्मियों में बहुत नमी होती है जिससे मेरा दम घुटता है। कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे कि मैं डूब रहा हूँ। सोमंग अंदर आती है, वो टीचर रूम में जा रही होती है। तभी मेरा समय उसी वक्त पीछे चला गया जब मैंने तुम्हें देखा। तभी सामने से हामिन आ रहा होता है। वो सोमंग को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सोमंग मन में सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बार तुम्हारे हाथ को छूटने नहीं दूंगी। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हामिन। पर वो ली जेमिन होता है। पीछे से बो मियाँ ये सब देख रही होती है। जेमिन घबरा जाता है। तब जाकर सोमंग को जेमिन दिखाई देता है। वो उससे सॉरी बोलती है, मैं किसी को जानती थी जो तुम्हारी तरह दिखाई देता था। फिर सोमंग जल्दी से अंदर चली जाती है। जेमिन तुम ठीक तो हो ना। हाँ, सोमंग वहाँ के टीचर से जाकर पूछ रही होती है कि क्या हामिन का छोटा भाई भी है। हाँ, उसका नाम ली जेमिन है, वो पिछले साल ही इस स्कूल में आया है। हामिन के साथ जो कुछ हुआ
उसके बाद वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में चला गया, पर उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली तो अब वो अपने पापा के साथ रहता है। मैंने जो पहले कहा था, तुमने उसके बारे में सोचा? अगर तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही हो तो तुम यहाँ से छोड़ सकती हो। हमें फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोमंग पेंटिंग बना रही होती है, तभी हामिन आकर टेबल पर लेट जाता है। मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर निगरानी रखने आते हो। क्या ये बात है? तो डोंट वरी, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेरे पास दोस्त नहीं हैं, तो मैं किसको जाकर बताऊंगी? मैं तुम पर निगरानी क्यों रखूंगा? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या हो? फिर तुम यहाँ पर क्यों आते हो? मैं तुम्हें अकेले ही स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ना लेने दूंगा। इस भीड़ से भरे स्कूल में खुद को छिपाने के लिए शांत और बड़ी जगह का होना अमेजिंग है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ इस जगह का यूज़ करना चाहता हूँ। क्या? मैं करूँगी, मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। टीचर, मैं सभी बच्चों का होमवर्क ले आई। थैंक यू। सुनो, तुम यहाँ हो तो तुम इन्हें हेलो क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारे क्लास की ट्रेनी टीचर हैं। हेलो, हम दोबारा मिल गए। ये क्लास प्रेसिडेंट है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बोमिया। अब हमें यहाँ से बोमिया के बारे में बताया जाता है। वो अपने मन में सोच रही होती है। कभी कभी ऐसा भी दिन होता है जिस दिन आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तुम आज बहुत अच्छे मूड में दिख रही हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? हाँ, क्योंकि आज कितना सुहाना दिन है। पर मुझे नहीं लगता कि यह बात है। तुम क्या बात कर रहे हो? ये वो सीन है जब सोमंग पहली बार हामिन को अपने पास से गुजरते देखती है। मेरा सिर मत दबाओ। क्यों, क्या तुम सोचती हो कि तुम छोटी हो? लगता है तुम पहले से और छोटी हो गई। क्या तुम सुबह सुबह पिटना चाहते हो? लो, मिल्टिंग कांग सुबह सुबह ही गुस्सा हो गई। अब मैं बोमिया के साथ रहूँगा। आज बोमिया के लिए भी वैसा ही दिन था। बोमिया जयमिन को पढ़ा रही होती है तो दो लड़कियाँ उनको देखकर बातें कर रही होती हैं। वो ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं इनके साथ पढ़ती हूँ सेम क्लास में। उनके लुक्स को तो देखो। तो दूसरी लड़की कहती है, जयमिन के साथ सेम क्लास में पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब हम उसके करीब जा ही नहीं सकते। तो तुम्हें पहले बोमिया की फ्रेंड बनना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है, फिर धीरे धीरे तुम जयमिन से भी दोस्ती कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। बोमिया, तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा समझाती हो। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तुमने उसके बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें पहले कहा था? यूनबोम, चलो कैंटीन चलते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगी। चलो चलते हैं। मेरे लिए भी आइसक्रीम और चॉकलेट ब्रेड ले आना। हाँ, सपने में भी नहीं। हे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने बताया तो कुछ भी नहीं हुआ। हे, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा हंसना चाहती हो, पर तुमने खुद को रोक रखा है। पक्का कुछ तो हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब चीज़ें पूरी श्योर हो जाएगी। बोमिया, बोमिया, तुम लंच टाइम में क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे साथ तक बोकी खाने चलोगी? हाँ हाँ, सड़क के उस तरफ एक नई शॉप खुली है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। बोमिया लोगों को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाती, पर मैं तो आज सुनही के साथ लंच करने वाली थी। क्या तुम आज हमारे साथ लंच कर सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ इसीलिए। तो क्या हम चारों चल सकते हैं, इंक्लूडिंग सुनही? क्योंकि उसको भी तक बोकी बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। बोमिया, तुम किस बारे में कह रही हो? अभी जो हुआ उसके बारे में? तुम उन्हें मना भी नहीं कर पाई और तुमने उन्हें हाँ कह दिया। वो मेरे साथ लंच ही तो करना चाहते थे। तुम्हें ऐसा लगता है? इसके पीछे भी जरूर उनका कोई रीज़न होगा। अगर तुम ऐसी ही रही ना तो तुम्हें आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। तभी वो सामने सोमंग को देखते हैं आर्ट रूम में जाते हुए। तभी उन्हें आवाज़ आती है गिरने की। ये वही टाइम होता है जब सोमंग आर्ट रूम में पहली बार बेहोश हुई थी। वो जल्दी से वहाँ जाते हैं। बोमिया कहती है, आप ठीक तो है ना? सोमंग कहती है, हाँ मिन। हे, क्या हुआ? मैं 911 को कॉल करूँ? ये कहीं मर तो नहीं गई ना? सुनही, क्या तुम जाओगी और टीचर को बुलाकर लाओगी? हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ।
अभी जो बेहोश हुई थी वो ट्रेनी टीचर हमारे क्लास की थी ना? वैसे तुम्हें क्या लगता है वो बेहोश क्यों हुई होंगी? मुझे नहीं पता। अगर जेमिन स्कूल में होता तो मैं उसे जाकर ये बताती, पर वो तो फोर्थ क्लास के बाद ही चला गया था। जेमिन चला गया? वो अपने फोटो देख रही होती है, बस अब दो लोग ही बचे हैं कि तभी ओ नो आई एम सॉरी, मेरा चिकन डिनर, क्या वो मर गया होगा? ओ नो, ये बहुत बुरा हुआ, आई एम रियली सॉरी। ये मेरा नहीं था, तो माफी मांगनी हो तो इससे मांगो। तभी एक दोस्त बोलता है, क्या तुमने इसमें बहुत सारे पैसे नहीं लगाए थे? तुम कब तक सॉरी मांगोगी, अब चलो यहाँ से। मगर वो सुन ही उसे वहाँ से ले जा ही रही थी कि तभी पीछे से चोई जिन यंग बोलता है, है यू ची हुआ हुआ। क्या ची हुआ हुआ? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो ठीक से मांगो। उसने तुमसे माफ़ी मांग तो ली, तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हें पता नहीं कि सॉरी तब तक मांगी जाती है जब तक कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना कर ले। बस तुमने एक बार कह दिया, तुम इसे सॉरी कैसे कह सकती हो? तुम ची हुआ हुआ की तरह दिखती हो और तुम डॉग की तरह बोलती हो। सीन कट होता है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने सुना है कि तुम दोनों चोई जिन यंग से लड़े थे। इतना परेशान मत हो, वो ऐसा ही है, वो जितना अच्छा दिखता है उतना ही खराब है। वो पिछले साल भी अपने क्लासमेट से लड़ता रहता था। तुम्हें पता है सब उसे क्या बुलाते हैं? अगाप्पे। इसका मतलब है वो हर समय बच्चों को अपने मुंह से बकवास सुनाता रहता है। क्या मैं उसका मुंह नोच लूं? ये पहली बार है कि हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं। वैसे बोमिया, तुम्हारा किसी पर क्रश है? स्कूल आने से पहले जेमिन ने बोमिया से कहा था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचना और बाद में मुझे बता देना। बोमिया सर हिलाती है। और क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? हाँ, मैं ये करना चाहूँगी। इसीलिए बोमिया सुबह सुबह बहुत खुश थी। चलो फिर बाद में मिलते हैं, वरना हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। क्या तुम्हारा किसी पर क्रश है? हाँ, मेरे मन में भी कोई है। क्या वो जेमिन है? इसे जेमिन बहुत पसंद है। है, अब बस भी करो। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा कोई चांस नहीं है और मैं उसे डेट करने का सोच भी नहीं सकती। मैं बस उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? पर मैं इस रिक्वेस्ट से खुश नहीं हूँ। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। और तुम बोमिया से ऐसा क्यों पूछ रही हो? सुन ही, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और मैं बोमिया से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। क्योंकि मुझे भी वो पसंद है, मैं भी जेमिन को पसंद करती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट पसंद नहीं आई। बोमिया भी तो जेमिन को पसंद करती है ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके क्रश के लिए फीलिंग कैसे रख सकती है? उस समय बोमिया चुन नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। जल्दी में बोमिया कहती है कि गाइस, लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं जेमिन को पसंद नहीं करती। सोमंग अपनी दोस्त को जेमिन के बारे में बता रही होती है। तुम्हें पता है हामिन का छोटा भाई भी है, वो बिल्कुल हामिन की तरह दिखता है। तब तो तुम वहाँ पर ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगी। सोमंग कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसके भाई के लिए कुछ करना चाहिए। हामिन की भी यही इच्छा होगी, अब मैं वहीं ट्रेनिंग करूँगी। आगे, कल के लिए सॉरी, मुझे अचानक कुछ हो गया था तो मुझे जाना पड़ा। क्या तुम्हारे पास आज रात टाइम है? जेमिन, हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन क्या हम बस दोस्त बनकर रह सकते हैं? तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे फिर कभी देखना नहीं चाहती? लेकिन क्या मैं तुमसे इसका रीज़न पूछ सकता हूँ? बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सीन कट। ये हमारी नई ट्रेनी टीचर हैं, ये तुम्हें इस सेमेस्टर के लिए पढ़ाएंगी। हेलो, मेरा नाम सोमंग है, मेरा सब्जेक्ट कोरियन है और मैं आशा करती हूँ कि हम सब आगे भी इसी तरह अच्छे से रहें। टीचर बोलते हैं, और तुम्हें पता है मिस हान भी इसी स्कूल से पढ़ी हैं? तो सभी बच्चे शोर करने लगते हैं। बच्चे मिस हान से पूछ रहे होते हैं, मिस हान, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था? क्या आप हमें अपनी लव स्टोरी बताएंगी? सर, क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? ठीक है। सोमंग जेमिन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकती हूँ? और सुन ही भी बोमिया को अपने साथ लेकर जाती है बात करने के लिए। सुन ही बोमिया से कहती है,
कल जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही थी। मैंने वो बस इसलिए कहा था क्योंकि तुम तो कुछ कहती ही नहीं और वो कुछ भी बोले जा रही थी, और जो भी मैंने कहा था वो बस ऐसे ही था, और तुम्हें भी कल वो नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है। गाइस, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं जेमिन को पसंद नहीं करती। वो मियाँ खुद के बारे में सोचने के बजाय पहले दूसरों के बारे में सोचती है। मेरा किसी और पर क्रश है। तुम ये क्या कह रही हो? तो तुम्हारा क्रश कौन है बोमिया? उस समय बोमिया को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे ना तो ज्यादा वो जानती हो और ना ही पसंद करती हो, और वो बाद में कह सके कि वो मुझे पसंद नहीं आया। वो जिनयंग है। मैं जिनयंग को पसंद करती हूँ। क्या अगप्पे? सीन कट। मैंने यहाँ के टीचर से सुना था कि तुम हामिन के भाई हो। हाँ मैं हूँ। कल के लिए सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम बिल्कुल हामिन की तरह दिखते हो, तो मुझसे गलती हो गई। आप मेरे भाई को कैसे जानती हैं? वो मेरा फ्रेंड था। ठीक है तो मैं चलता हूँ। रुको जेमिन, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरी ड्राइंग के लिए मॉडल बनोगे। सीन कट होता है। वो मियाँ कहती है मैं जिनयंग को पसंद करती हूँ। उसी रेस्टोरेंट में जिनयंग भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पीछे ही बैठा हुआ था। उसके दोस्त जैसे ही ये सुनते हैं वो दोनों जिनयंग को घूरने लगते हैं, और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म होता है।